हे हेलो कर रही फ्रेंड्स, हो? एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे आज नए बहुत व्लॉग कुछ में। बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, मैंने बना ली है सब्जी मिक्स करके। इसमें वाह है बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च, आलू और ये बना ली है मैंने गुजराती कढ़ी। गुजराती कढ़ी रेडी हो गई है। ये मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी, साथ में मैं ये छोंकने जा रही हूँ पुलाव। इसमें जो है सबसे पहले डालेंगे जीरा, फिर मैंने ये निकाली है काली मिर्च, लौंग, तो ये सब डाल देंगे। उसके बाद डालनी है हरी लाल मिर्चें, जिनके वो पीछे वो मैंने नहीं निकाले डंठल, क्योंकि वो ना देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो रहने देती हूँ। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़े से मटर डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। वाह, मटर फटाफट उछलने लगेंगे, इसलिए आप, क्योंकि मटर क्या होता है ना, चटक के बाहर निकलने लग जाते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी हल्दी, थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और बढ़िया से इसको कर देंगे मिक्स। पकड़ के बैठ। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें पानी, बचे हुए चावल भी ऐड कर देती हूँ। और डालो पानी, हाँ इसमें भी थोड़ा पानी और जाएगा। ये जो है ना एकदम सादा सा हो लगता है खाने में, बड़ा पर बड़ा स्वाद लगता है। इस कढ़ी के साथ इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। तो चलो अब हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन। इसको पकने देते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। पहले आपको भिंडी को ऐसे लंबा लंबा कट कर लेना होगा। बेसन के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉर्नस्टार्च, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसको थोड़ी देर के लिए हमको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमने ये कोटिंग की है ये इसमें अच्छे से सब चिपक जाए। उसके बाद हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पे रीति नहा धोकर आ गई थी, तो उसको सूर्य देवता को जल चढ़ाना था, तो मैं उसे मंत्र बता ओम रही थी कि आदित्य ओम नमः, आदित्य नमः बोलो और फिर जल अर्पण करो। तो ये कढ़ाई चढ़ा दी ऑयल डाल के, और भिंडी मैंने बोला पहले एक सिंगल भिंडी डाल के चेक करो पक गया कि नहीं। फिर उसके बाद सारी भिंडियाँ धीरे धीरे करके हमने तल ली। बहुत ही क्रंची बना था, बहुत ही सच्ची में इतना अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि मैं मेरे लिए शाम के लिए भी रख देना ये, ऐसे एज ए आप स्नैक भी खा सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि ये मेन कोर्स हो आपका। भिंडी वैसे भी मेरे बेटे की तो फेवरेट है, तो कुरकुरी भिंडी मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ, काफ़ी यम्मी बनती है। और भिंडी हम जैसे नॉर्मली कट करके बनाते हैं वैसी भिंडी कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऐसी भिंडी बनाऊँ तो बच्चे बड़े प्रेम से खाते हैं।
तो ये देखिए हमारा स्वादिष्ट सा पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अब हम चलो लगा लेते हैं आज की हमारी जो थाली है वो क्या क्या है उसमें। तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं एक अच्छी सी स्वादिष्ट सी थाली। तो सबसे पहले मैंने रख दी है कटोरी में सब्जी डाल के। सब्जी में एक्चुअली जो भी मेरे पास था मैंने सब सब्जी डाल के मिक्स करके बना दिया। फिर मैंने बनाई थी जो कुरकुरी भिंडी वो मैंने इसमें लगा दिया है एक साइड से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। फिर ये गरमा गरम फुलके लगा दिए हैं घी लगा के। और ये आ गया हमारा गरमा गरम पुलाव, जिसमें से अभी हमारी कढ़ी बाकी है। एक्चुअली थोड़ा सा पानी मुझसे ज़्यादा हो गया था। बेसिकली कैसा होता है कि मैं ना ओवन में बनाती हूँ बट मैंने आज कुकर में बनाया तो मुझे अंदाज़ा इतना लगा नहीं, इस वजह से थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तो थोड़े से मेरे चावल गीले हो गए पुलाव के। और ये बन गई मेरी, ये मेरी कढ़ी की कटोरी रेडी हो गई है। तो आज की थाली कुछ इस तरीके से है, बड़ी ही स्वादिष्ट बनी थी, जिसको मैं तो नहीं खा सकती थी क्योंकि मेरा तो फास्ट था थर्सडे का, लेकिन बाकी सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय करके खाया, सबको बहुत अच्छी लगी। तो ये वो थाली लग गई है, पुलाव है, कढ़ी है और ये मेरे भगवान हैं तो इनको लगा देते हैं भोग। ये देखो आई हूँ टेरेस पे, सवेरे भी आई थी जल चढ़ाने केला में, क्योंकि गुरुवार के व्रत में जल चढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे सवेरे पूजा करके गई थी केला भगवान की। और ये वाला प्लांट भी केला का है तो यहीं पे आई हूँ पूजा करने। इतना ठंडक है, कबूतर खा रहे हैं दाना डाला है। बनाना कि नहीं? तो एक्चुअली मैं आई थी इसको खुद को दिखाना है ना, शूट करने। आई बड़ी वो कहाँ घूम रही है, पूरे दिन घूमती रहोगी क्या, काम धाम है कि नहीं, पूरा दिन घूमती रहती है। रूपी को ये करना था बबल उड़ाने थे। तो हमारी बिल्डिंग में होने वाला है टोटल 3 दिन का कार्यक्रम। तो सबसे पहला कार्यक्रम होने वाला है 20 तारीख से स्टार्ट होगा कलश यात्रा से। फिर रामचरित मानस स्थापना होगी, जो कथा होगी अगले। और 22 तारीख को यहाँ पे टोटल 5100 दिए जलाए हुए थे, प्लस रीति का ना बबल मिक्सर लेके आई थी तो गिर गया इसलिए रो रही थी। तो हमने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, ये देखो कि कोई बात नहीं बेटा, हम दूसरा लेके दे देंगे तब जाके थोड़ा सा चुप हुई है। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि तो फिर यहाँ पर टोटल 3 दिन का कार्यक्रम है और अभी से काफ़ी डेकोरेशन वगैरह चालू हो गया है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि 22 जनवरी को एक और बहुत स्पेशल बात है, जो कि ये है कि मेरा बर्थडे होता है, मेरा जन्मदिन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को डेकोरेशन कितना, काफ़ी तैयारी हो गई है चालू, स्टेज भी बन गया है। तो यहीं पर रामचरित मानस का पाठ होगा और काफ़ी डेकोरेशन वगैरह अच्छा कर दिया है। तो ये देखिए तैयारी एकदम जोर शोर से चालू है। हर बार तो हमारे सी विंग के पीछे होता था बट क्या हुआ ना कि काफ़ी सारे फंक्शन सी विंग के पीछे होते हैं तो सी विंग के लोगों को नहीं फेंको, नहीं बेटा कर लो पूरा खत्म कर दो। तो सी विंग के पीछे होता है तो सी विंग के जो बिल्डिंग के लोग हैं उनको डिस्टर्ब होता है। तो बहुत ओवर कंप्लेन हो गई है कि सब सी विंग के पीछे क्यों करना है, सब सी विंग के पीछे क्यों करना है। तो इस बार यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं और वो साइड का देख के आते हैं, शायद मे भी कुछ और भी अरेंजमेंट वहाँ पे किया हो। चल वो साइड भी देख के आते हैं। मैं बता रही थी कि सी विंग के पीछे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब डेकोरेशन ना हो या कुछ और ना किया हो। तो यहाँ के पे भी काफ़ी डेकोरेशन किया हुआ है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस जगह पे, तो इसके लिए हमें 20 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर उसी दिन हमको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या होने वाला है। क्या हुआ, कैसा हो गया? तो हुआ है। वेरी गुड, खत्म कर दो उसको भी। अरे मतलब खत्म ही कर देती हूँ ना आजी। हाँ
तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।